गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, एक्सपर्ट गाइडेंस क्लासेस मैथ की क्लास जो मेंस्ट्रुएशन हम लोग डिस्कस कर रहे थे, उसमें जो लास्ट टॉपिक हमने डिस्कस किया था कॉन्सेप्ट ऑफ द फ्रस्टम, छिन्नक की संकल्पना, उस पर हमने कुछ क्वेश्चन किए। आइए आज एक दो एग्जांपल और करते हैं, है ना। एक एग्जांपल हम लोग शंकु के छिन्नक से करेंगे डायरेक्ट, और दूसरा एग्जांपल हमारा जो होगा आज के वीडियो में वो होगा जब फ्रस्टम को हम किसी दूसरे शेप जैसे सिलेंडर या किसी के साथ ऐड करते हैं, कनेक्ट करते हैं, है ना। लास्ट टॉपिक है लेकिन हमने सोचा एक दो एग्जांपल और करा लेते हैं आज। तो आइए देखिए, जैसे एक एग्जांपल यहाँ पर लिखा हुआ है, एक तुर्की टोपी शंकु के छिन्नक के आकार की है, है ना। कोई टोपी है जो तुर्की टोपी है, शंकु के छिन्नक के आकार की है। यदि इसके खुले सिरे की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर और ऊपरी सिरे की त्रिज्या 4 सेंटीमीटर है, टोपी की तिरे ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है, तो इसको बनाने में प्रयुक्त पदार्थ का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हमें जो जो गिवेन है हम उससे क्या फाइंड आउट करते हैं उसको हम लोग नोट कर लेते हैं, है ना, और टोपी को बनाने का प्रयास करते हैं। तो देखिए, खुले सिरे की त्रिज्या कितनी है, 10 सेंटीमीटर, और टोपी का खुला सिरा किधर होगा, नीचे की तरफ होगा, है ना। ये मान लीजिए टोपी हो गई, इसका एक खुला सिरा जो है, इसका जो रेडियस है वो कितना है, 10 सेंटीमीटर। चलिए, और ऊपरी सिरे की त्रिज्या, ये जो ऊपरी सिरा है, और ये कैसा होगा, ये पैक्ड होगा पूरा आपका, लेकिन इसका जो रेडियस वो कितना है आपका, 4 सेंटीमीटर। तिरिया की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है, तो इसको बनाने में प्रयुक्त पदार्थ का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो देखिए आपको क्या क्या निकालना होगा एरिया निकालने के लिए। तो सबसे पहले जो बंद सिरा है ऊपर वाला, है ना, इसको पैक करने में लगा होगा मटेरियल जो भी यूज हुआ होगा पदार्थ, और इसका जो ये वक्र पृष्ठीय क्षेत्र है, इस शेप का ये जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्र है, ये पैक होगा। नीचे वाले में तो पदार्थ लगेगा नहीं, क्योंकि वो क्या होगा आपका, ओपन होगा, है ना। तो आइए अब आप जानते हैं छिन्नक है, छिन्नक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर वन, अगर इसको आर वन आर टू माने, इसे एल माने, ये तो एल होगा ही, है ना, तिरेक ऊंचाई, ये आपका क्या हो जाएगा आर वन, और ये आर टू रेडियस है, तो क्या हो जाएगा आपका, पाई आर वन प्लस आर टू और इंटू एल कर लेंगे, तो इसका हमें इस पोर्शन का, इतने वाले भाग का हमें क्या है, एरिया मिल जाएगा। लेकिन उसमें क्या है, इसके ऊंचे ऊपर वाला जो भाग है, है ना, इसको भी आपको क्या करना होगा, ऐड करना होगा। ऊपर वाला जो भाग है किस आकार का है, तो आप देख रहे हैं एक समतल वृत्त है, है ना, जिसका रेडियस क्या है यहाँ पर आपका, 4 सेंटीमीटर, यानी कि आर वन कितना है, 4 सेंटीमीटर। तो यानी इसका एरिया क्या हो जाएगा, पाई आर वन स्क्वायर। तो अगर ऐसा कर लेंगे तो हम जो है पदार्थ का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। तो आइए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, दिया हुआ जो आपको डायरेक्ट लिख लेते हैं, आर वन इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, आर टू इक्वल टू 10 सेंटीमीटर एंड एल इक्वल टू 15 सेंटीमीटर, ठीक है। अब लिख लेंगे, टोपी को बनाने में प्रयुक्त पदार्थ का क्षेत्रफल, टोपी को बनाने जो मटेरियल प्रयुक्त हुआ उसका क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा आपका। तो देखिए, टोपी के वक्र पृष्ठीय, टोपी के वक्र पृष्ठीय भाग का क्षेत्रफल प्लस, है ना, ये वक्र पृष्ठीय भाग का क्षेत्रफल प्लस टोपी के ऊपरी सिरे का क्षेत्रफल, है ना, टोपी के वक्र पृष्ठीय भाग का क्षेत्रफल प्लस टोपी के ऊपरी सिरे का, है ना, ये वाला जो ऊपरी सिरा है उसका क्षेत्रफल, ठीक। अब देखिए, इसका जो वक्र पृष्ठीय भाग है उसका क्षेत्रफल क्या होगा टोपी के, तो टोपी का जो वक्र पृष्ठ कैसा है, छिन्नक के आकार का है, और वहाँ से फार्मूला क्या होता है, पाई ऊपरी वाले भाग की त्रिज्या प्लस नीचे वाली भाग की त्रिज्या इंटू त्रियक ऊंचाई एल, है ना। और इसमें किसको ऐड कर देंगे, टोपी के ऊपरी सिरे क्षेत्रफल, ऊपरी सिरे त्रिज्या कितनी, आर वन, यानी कि यहाँ से आपको हो जाएगा पाई आर वन स्क्वायर, है ना। अब वैल्यू पुट कर देंगे, पाई को बाहर निकाल लेते हैं, पाई की वैल्यू क्या होगी आपकी, 22/7, ठीक, आर वन आपका हो गया 4
आर टू आपका है 10, एल है आपका 15 प्लस पाई को हमने बाहर निकाल लिया तो यहाँ से बाहर आ गया आर वन कितना है आपका 4 का स्क्वायर। ठीक, सॉल्व कर लेंगे इसको, है ना, इसको जब सॉल्व कर लेंगे तो आपका आंसर जो आ जाएगा 710 सही 2/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, पूरा फाइनल आंसर आप सॉल्व कर लेंगे इसको। तो ये एक एग्जांपल रहा है ना जो आपको हमने दिया। अब इसी पे हम दूसरा क्वेश्चन, पहले आप इसको नोट कर लीजिए। आइए देखिए यहाँ पर एक दूसरा क्वेश्चन है ना, दिए गए चित्र में, तो चित्र भी हम लोग बनाएंगे। टीन की बनी हुई एक तेल की कुप्पी है ना, टीन से निर्मित तेल की कुप्पी आपने देखा होगा। जो एक छिन्नक और एक बेलन को जोड़कर क्या बनाया गया है, तेल की कुप्पी 10 सेंटीमीटर लंबे एक बेलन जो इसका बेलनाकार भाग है, इसकी जो लंबाई है वो कितनी है 10 सेंटीमीटर लंबे बेलन में एक शंकु के छिन्नक को, तो ये शंकु का छिन्नक हो गया ऊपर, शंकु के छिन्नक को जोड़ने से बनी है। यदि इसकी कुल ऊंचाई 22 सेंटीमीटर हो तथा तो बेलनाकार भाग का व्यास 8 सेंटीमीटर। इस कीप की जो पूरी ऊंचाई, देखिए ये दिखाई नहीं देगा आपको, है ना, ये क्या होगा ऐड होगा अंदर अंदर। ठीक, इस पूरे भाग की जो ऊंचाई है वो कितनी है 22 सेंटीमीटर, 22 सेंटीमीटर हो तथा तो बेलनाकार भाग का व्यास 8 सेंटीमीटर। अच्छा, ये जो बेलनाकार भाग है इसका ये जो पूरा डायमीटर कितना दिया आपको 8 सेंटीमीटर, और कुप्पी के ऊपरी सिरे का व्यास, ये रहा इसका ऊपरी सिरा, इसका व्यास कितना है आपका 18 सेंटीमीटर हो। तो इसको बनाने में लगी टीन की चादर का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक, तो इस कुप्पी को बनाने में जो पूरा टीन का चादर प्रयुक्त हुआ है उसका आपको एरिया निकालना है। तो देखिए सबसे पहले आपको क्या समझना होगा कि इस छिन्नक को हमने इस बेलन में क्या क्या ऐड किया है। इस छिन्नक के नीचे वाले भाग की जो त्रिज्या होगी वो क्या होगी, जो बेलन की त्रिज्या होगी, क्योंकि इसी पे क्या ऐड है, है ना। तो इस बात को आपको समझना पड़ेगा। एक चीज़ तो यहाँ से हो गया, दूसरा इसमें छिन्नक की ऊंचाई कहीं पर नहीं दिया हुआ, लेकिन टोटल कीप की ऊंचाई कितनी 22 सेंटीमीटर और बेलनाकार भाग की ऊंचाई कितनी 10 सेंटीमीटर। तो इसमें से हम इसको माइनस करके छिन्नक की ऊंचाई निकाल लेंगे। आइए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब देखिए इसमें आपको दिखाई क्या देगा, तो बेलनाकार भाग का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको दिखाई दे रहा है, एरिया आप उसे निकालेंगे जो चीज़ आपको दिखाई दे रही होगी, है ना। तो एरिया जो आपको निकालना है वह इस वाले पूरे भाग का निकालना है, और इस वाले पूरे भाग को आपको दो भागों में बांट के निकालना होगा। तो सबसे पहले हम बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे और बेलन के एक आधार का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। इसके साथ हम लोग जो है शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लेंगे, सॉरी छिन्नक का, और छिन्नक के ऊपरी भाग का क्षेत्रफल निकाल लेंगे, और इन सबको जब हम आपस में जोड़ देंगे तो हमें टीन की चादर का क्षेत्रफल मालूम हो जाएगा। तो सबसे पहले आइए नोट करते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। बेलनाकार भाग की ऊंचाई क्या है, बेलनाकार भाग की ऊंचाई h इक्वल टू कितना दिया आपको 10 सेंटीमीटर, त्रिज्या कितनी हो जाएगी, तो देखिए यहाँ पर आपको क्या दिया, व्यास दिया है 8 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या को हम R2 मान लीजिए, तो क्योंकि ये ऊपर वाला R1 हो जाएगा, है ना, तो 8/2 इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, है ना, जो रेडियस यहाँ से यहाँ तक का होगा वहीं यहाँ पर भी होगा, तो ये भी कितना हो जाएगा आपका 4 सेंटीमीटर। अब आइए छिन्नक में देख लेते हैं, ऊपरी भाग छिन्नक की ऊंचाई, तो ये छिन्नक की ऊंचाई आपकी क्या हो जाएगी, तो छिन्नक की ऊंचाई यहाँ से अगर आप देखिए तो ये टोटल कितना 22, इसमें से बेलन वाली भाग को क्या करेंगे हम माइनस कर देंगे, तो 22 सेंटीमीटर माइनस 10 सेंटीमीटर इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। ठीक, और छिन्नक की ऊपरी त्रिज्या
आर वन इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका, देखिए व्यास दिया हुआ है 18/2 यानी ये कितना जाएगा आपका 9 सेंटीमीटर। छिन्नक की निचली त्रिज्या जो निचले सिरे की त्रिज्या होगी आर टू है ना, वो क्या होगी इसके बराबर ही होगी और कितनी होगी 4 सेंटीमीटर। अब देखिए छिन्नक का वक्र पर क्षेत्रफल निकालने के लिए आपको छिन्नक की तिर्यक ऊंचाई पता होनी चाहिए, और तिर्यक ऊंचाई कैसे निकालते हैं हम लोग, तिर्यक ऊंचाई एल इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस ब्रैकेट में क्या हो जाता है आपका दिस माइनस दिस है ना, बड़े वाले में छोटे में क्या करते हैं घटा देते हैं, तो आर वन माइनस आर टू का स्क्वायर है ना। यहाँ से हम इसको सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ से आपका आ जाएगा अंडर रूट एच, एच किसका लेंगे छिन्नक का यानी कि 12 सेंटीमीटर, इसे हम लिख लेते हैं यहाँ पर एच एफ कर लेते हैं ना, हाइट ऑफ द फर्स्ट ट्यूब, आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा है ना। तो एच एफ की वैल्यू कितनी है यहाँ पे आपका 12 का स्क्वायर प्लस आर वन माइनस आर टू है ना, तो आर वन कितना है आपका 9 माइनस 4 कितना हो जाएगा 5 का स्क्वायर, डायरेक्ट हमने लिख दिया ध्यान रखेंगे आप ठीक, दिस माइनस दिस 12 का स्क्वायर कितना होगा 144, 5 का 25 ऐड करेंगे अंडर रूट 169, इसका रूट कितना जाएगा 30 सेंटीमीटर। तो तिर्यक ऊंचाई कितनी जाएगी यहाँ से आप नोट कर लीजिए, तिर्यक ऊंचाई छिन्नक की एल इक्वल टू 13 सेंटीमीटर, यहाँ तक नोट कर लीजिए फिर रफ करके क्वेश्चन को आगे सॉल्व करते हैं। अरे देखिए तो यहाँ पे जितनी भी इन्फॉर्मेशन थी हमने सबको यहाँ पे एक लाइन में नोट कर लिया। अच्छा एक बात और ध्यान रखिए, चूंकि ये कीप है ना तो कीप का ऊपरी सिरा भी क्या होगा खुला होगा है ना, इस बात का आप ध्यान रखें ऊपरी सिरा है ना, स्टार्टिंग हमने आपको थोड़ा सा वहाँ मिस्टेक हो गया था, ऊपरी सिरा भी खुला होगा तभी तो आप कोई चीज़ इसमें डालेंगे और निचले वाला सिरा भी खुला होगा तभी तो कोई चीज़ इसमें से निकलेगा। यानी कि अब हमें जो है फोकस करना है कि किसका हमें एरिया निकालना है, तो जब हम एरिया देखेंगे कि जो लगी टीन की चादर का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, तो हमें इस वाले पार्ट का और इस वाले पार्ट का यानी कि आपको छिन्नक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और इस बेलनाकार वाले भाग का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल के दोनों को ऐड कर देंगे तो हमें लगी टीन की चादर का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा मालूम हो जाएगा है ना। तो अब हम जो है क्या निकालने जा रहे हैं, कुप्पी बनाने में लिख लेंगे, कुप्पी बनाने में लगी टीन की चादर का क्षेत्रफल बराबर आपका क्या हो जाएगा, तो देखिए छिन्नक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो देखिए छिन्नक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, पहले उसका आप फॉर्मूला लिख लें, तो होता है आपका पाई ब्रैकेट में आर वन प्लस आर टू ब्रैकेट क्लोज इंटू एल प्लस, अब देखिए बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है आपका, तो पाई आर टू है ना, पाई क्योंकि यहाँ पर रेडियस क्या लेंगे हम, ये बेलन वाला रेडियस लेंगे तो क्या हो जाएगा आपका आर टू टू सॉरी टू पाई आर टू एच है ना, ये आपका होता है बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। चलिए ये फॉर्मूला आपका हो गया, पाई को हम बाहर निकाल लेते हैं तो पाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी 22/7 बाहर ले लीजिए ठीक, यहाँ अंदर क्या हो गया आर वन प्लस आर टू, आर वन प्लस आर टू 9+4 यानी कि 13 डायरेक्ट लिख लिया हमने, तो ये ब्रैकेट हटा देते हैं 13 इंटू एल की वैल्यू भी कितनी है आपकी 13 सेंटीमीटर प्लस 2 आर टू की वैल्यू 4 आर टू की वैल्यू 4 इंटू एच और एच किसका लेंगे बेलन का एच लेंगे और बेलन का एच कितना है 10 सेंटीमीटर इंटू 10 ब्रैकेट क्लोज कर लेते हैं इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ से आपका आ जाएगा 22 इंटू 13 इंटू 13 कितना हो जाएगा 169 और ये 4 × 8 = 80 80 को 169 से हम क्या करेंगे ऐड कर देंगे तो ये आपका हो जाएगा 249 तो 22 इंटू 249 अपॉन 7 इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आ जाएगा 7824/7 782 सही 4/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये देखिए एक आपका एप्लीकेशन ऑफ द फ्रस्टम हो गया है ना, फ्रस्टम को भी हमने बेलन से कनेक्ट कर लिया।
तो इस पूरे चैप्टर को देखिए जो क्लास नाइन्थ के बेसिक कॉन्सेप्ट से स्टार्ट हुआ और क्लास टेंथ तक के सभी टाइप के क्वेश्चनों को डिस्कस करते हुए हम लोगों ने आज इसको विथ एग्जाम्पल है ना लगभग 18 टू 19 लेक्चर में कंप्लीट कर लिया। ठीक, तो अब आपकी ड्यूटी ये है कि आप सारे वीडियोज़ को देख करके प्रॉपर नोट्स बना करके इस चैप्टर को आप अच्छे से तैयार कर लीजिए। 6 से 7 नंबर क्वेश्चन आपके क्लास टेंथ के बोर्ड पेपर में आता है और मेंसुरेशन आपको आना चाहिए क्योंकि ये बेसिक मैथ है। बिहेवियर मैथमेटिक्स में पूरी लाइफ आपको जो चीज़ों के वॉल्यूम से एरिया से जूझना पड़ता है, निकालना पड़ता है। तो अगर आप पढ़े लिखे हैं तो उम्मीद की जा सकती है कि आपको ये चीज़ आनी चाहिए। तो आज ये टॉपिक हम लोग ख़त्म करते हैं। कल के वीडियो में हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, वो भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, अपर क्लास में भी मैथ में एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, तो उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।